गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे मॉर्निंग है, ठीक है, और किसी तरह से मेरे को टाइम मिला है लेक्चर रिकॉर्ड करने का। थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं, बिजी इन द सेंस बहुत बिजी चल रहा हूँ। मौका एक घर में ही नहीं ठहर रहा, इधर उधर भटक रहा हूँ, तो लेक्चर ही रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्लास ट्वेल्थ के लिए। क्लास ट्वेल्थ में इससे पहले वाले दिन में क्या सिखाया था? वेव्स हमने स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन बस इतना याद रखना है, जो मैं सिखाता जाऊंगा ना सीखते जाओ, जो मैं सिखाता जाऊंगा सीखते जाओ। डाउट हो फोन करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, डीएम करो, जो करना है करो। डाउट अगर होता है तो पूछते जाना, ठीक है। धीरे धीरे अगर तुम क्लियर कराते जाओगे तो बहुत ही ईजी लगेगा चैप्टर। जनरली बीटेक वाले मैथ्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मेडिकल वाले हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो उनको ज्यादा मैथमेटिक्स में जाना ही नहीं है, उनको तो बस सोच लेना कि अच्छा ये होता है और अपने को ये याद कर लेना है, बस वो इतना सोच लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब वेव्स मैंने स्टार्ट किया था इससे पहले वाले दिन में। वेव्स का मैंने एक बेसिक तुमको डेफिनेशन बता दी। देखो वेव्स बनता कैसे है वो मैंने बता दिया था। वेव क्या है? तो रोप था, अब रोप का उसके जो रोप का टिप है, टिप को पकड़ के जैसे जैसे मूव कराएंगे बाकी के सारे पार्टिकल्स का मोशन वैसा ही हो जाता था। अब वहां पर जो वेव जनरेट होता था उसको बोलते थे सिंपल हार्मोनिक वेव, आगे सब देखेंगे। वहां पर जो जनरेट हो रहा था वो क्या था? वेव। वेव में हमने ये देखा कि डिस्टर्बेंस जो है वो एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, लेकिन कोई भी ट्रांसफर पार्टिकल का नहीं हुआ था। पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हुआ था मतलब रोप का एक पार्टिकल उठ के कहीं दूसरे जगह नहीं चला गया था, उसने सिर्फ अपने एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट तक ट्रैवल कराया था, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्लासिफिकेशन देखना स्टार्ट किया था। तो क्लासिफिकेशन में दो तरह का क्लासिफिकेशन बता दिया है। ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, अगर रिक्वायरमेंट चाहिए तो मैकेनिकल वेव है, अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नॉन मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव, नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल है लाइट वेव, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल मीडियम के हिसाब से जब बाइफर्केशन किया तो पहला बाइफर्केशन या पहला जो टाइप का वेव था वो था, पहला टाइप का वेव क्या था भाई साहब? पहला टाइप का वेव था ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में हम क्या बोलेंगे कि अगर पार्टिकल का वाइब्रेशन, मीडियम पार्टिकल का वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन, वेव के चलने को बोलते हैं वेव का प्रोपगेशन, वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, तो उस तरह के वेव को हम बोलते थे ट्रांसवर्स वेव। जिस डायरेक्शन में वेव चलेगा पार्टिकल का वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में, जैसे साउंड वेव में साउंड ऐसे आगे चल रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन भी ऐसा हो रहा है, पार्टिकल का वाइब्रेशन भी ऐसा हो रहा है। इस तरह के वाइब्रेशन को या इस तरह के वेव्स को हमने बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करने वाले, आज कुछ डेफिनेशंस बताएंगे और इक्वेशंस लिखना सीखेंगे। वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो लिखना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रीन शेयर किया ही नहीं, ऐसे ही स्टार्ट कर देते हैं। बम बोले अच्छा सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा। जो एनर्जी है अक्षय भाई साहब की उस डांस में, अल्टीमेट है, ऑसम है। हाँ भाई साहब, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइफर्केशन हो गया। अब ना कुछ वर्ड्स है जिसका हम क्या करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे। तो जो एग्जांपल मैंने कल बताया था उसी से मैं स्टार्ट करूंगा, ये बेस्ट एग्जांपल होता है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कल को अगर आप टीचर बन जाओगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ सही है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो सही था। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ना, अब जैसा इस वाले पार्टिकल का मोशन होगा, ये याद रखना, वेव में क्या होता है, वेव में एकदम देसी लैंग्वेज में अगर वेव समझोगे ना, तो वेव में समझ गए ना, जैसा सोर्स पार्टिकल जैसा सोर्स पार्टिकल का मोशन होता है बाकी के पार्टिकल्स उसके मोशन को रिपीट
हैं, ये सब जब इक्वेशंस लिखूंगा ना वेव का तब काम आएगा, ठीक है। अभी तो आप ऐसा समझ लो कि मैंने मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास सोर्स पार्टिकल था, जो टिप वाला पार्टिकल जिसको मैंने होल्ड करके रखा है, उसको मैंने बोला सोर्स पार्टिकल। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सोर्स वाले पार्टिकल को ऐसे ऊपर ले जाऊंगा, फिर वापस से घुमा के ऐसे वापस। अब ये पूरा एक पॉइंट पर ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं इसको यहाँ पे ऊपर ले गया फिर नीचे ले जाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे, बस दिखाने के लिए मैंने ऐसा अलग बनाया है। अब जैसा मैंने पार्टिकल सोर्स का मोशन दिखाया है, बाकी सारे पार्टिकल्स यहाँ पर, चुन्नू मुन्नू टुन्नू जो भी पार्टिकल्स है ना, सारे पार्टिकल्स का मोशन मेरे जैसा ही होगा। मान लो मैं एक डांस टीचर हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मैं ऊपर गया फिर नीचे आया फिर मैं ऊंचे जा रहा हूँ, तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे फिर ऊपर, ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे फिर ऊपर, एंड सो ऑन, इस तरह से मोशन को कंटिन्यू करेंगे। अब जब ये इस तरह से मोशन को कंटिन्यू करते हैं तो धागे में आपको एक इस तरह का फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो फॉर्म है ना, ये जो धागे में फॉर्म बन रहा है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेव फॉर्म। ये जो धागा जिस तरह से दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म। अब इतना जान लो, जैसा डिस्प्लेसमेंट आप पार्टिकल का कराओगे ना, सोर्स पार्टिकल का जैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसा डिस्प्लेसमेंट सोर्स पार्टिकल का है, सोर्स पार्टिकल का है वैसा ही वेव फॉर्म, वैसा ही वेव फॉर्म बनेगा, ठीक है। मैं जिस हिसाब से सोर्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा उसके हिसाब से ही वेव फॉर्म जो है धागे में, वेव फॉर्म इस तरह से बनेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर ना धागे में कोई भी वेव फॉर्म बन सकता है, तुम धागे को जैसे चलाओ, तुम धागे को जिस मर्जी से चलाओ। अगर तुम धागे को ऐसे, जैसे मान लो ये धागा था, तुम धागे को अगर क्या करोगे ऐसे ऐसे चलाओगे तो कुछ इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा, अगर तुम धागे को ऐसे ऐसे चलाओगे तो कुछ इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा, तो जिस हिसाब से तुम धागे को मूव कराओगे उस हिसाब से वेव फॉर्म बनेगा। अब कैसा भी वेव का फॉर्म बन सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव है, अपने सिलेबस में सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव है। अब सिंपल हार्मोनिक वेव क्या है, अगर सोर्स पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो उसके कारण से बनने वाले वेव को सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये जो सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल का मोशन अगर सिंपल हार्मोनिक है, पार्टिकल का मोशन सिंपल हार्मोनिक मतलब पार्टिकल, ये जो सोर्स पार्टिकल है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, इसके कारण से धागे में जो वेव फॉर्म बना उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव। और अपने सिलेबस में यही है, मतलब 95% टाइम हम यही बात करेंगे, कभी कभार एक दो फॉर्म के लिए बात कर लेते हैं, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, आप टेंशन ना ले उसके लिए। पहले एक बार ये सिंपल हार्मोनिक वेव सीख लेंगे तो बाकी के वेव भी आप एनालाइज करना सीख जाओ। अब यहां पर कुछ डेफिनेशंस हम क्या करेंगे, कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं फिर इसका इक्वेशन लिखने की तरफ जाएंगे। स्क्रीन पॉज करके आपको नोट करना पड़ेगा, और फिर से बोल रहा हूं, जिस हिसाब से समझाता जाऊंगा वैसे समझना पड़ेगा, नहीं तो अगर छोड़ दोगे तो बाद में घंटा कुछ नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैथ्स है, देखो मेडिकल वाले बच्चों में आपको बोल रहा हूं मैथ्स है, ये सुन के डरना नहीं है, मैथ्स है तब भी आपको समझ में आएगा, और मैं आपको बता दूंगा जहां पे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल वहां पे रिलेशन याद रख के काम चला सकते हो, ठीक है। तो आप एकदम घबराइए मत, बहुत ही आसान चैप्टर है, ऐसा समझ लीजिए ये जो चैप्टर्स होते हैं ना वो मार्क्स दे के जाते हैं। मैकेनिक्स में क्या होता है, समझना आसान होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होता है, ये सब जो चैप्टर्स उसमें समझना मुश्किल है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है,
ये एक बार समझ जाओगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम ध्यान से सुनते जाइए जिस हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। चलिए भाई साहब, अब डेफिनेशंस पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी, वेव का फ्रीक्वेंसी। अब वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो वेव का फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया जिस रेट से ये सोर्स पार्टिकल, जो इस सोर्स पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी होता है ना, वही फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होता है। फ्रीक्वेंसी, अगर कोई पूछे फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पार्टिकल, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पार्टिकल, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पार्टिकल, अगर कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, तो वेव का फ्रीक्वेंसी मतलब वो जो सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब है सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी। सोर्स पार्टिकल, देखो एग्जाम में ये सब डेफिनेशन लिखने नहीं आता, और मैं तुम्हें बोर्ड्स वाले के लिए तो पढ़ा भी नहीं रहा अभी, ये सब ऐसे ही लिखना जैसे मैं बता रहा हूं। सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन, सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट यहां पर टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड भी किसका? सोर्स पार्टिकल का। टाइम पीरियड भी किसका? तो सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन, सोर्स पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ठीक है? ये हो गया। एक टर्म यहां पर आपको मिलेगा एम्पलीट्यूड। अच्छा, एम्पलीट्यूड तो वहां पर भी देखा था, जैसे अगर वेव ऑन अ स्ट्रिंग देखेंगे, ये किस में देख रहे हैं? वेव ऑन अ स्ट्रिंग में देख रहे हैं। तो वेव ऑन अ स्ट्रिंग में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है? तो आपके लिए ये सब कोई नया बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, इसका एम्पलीट्यूड का मतलब ये जो मैक्सिमम हाइट तक ये सोर्स पार्टिकल जा सकता है, ऑसिलेट कर रहा है, तो जो एम्पलीट्यूड का मतलब पहले हुआ करता था, अभी भी वही मतलब है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सोर्स पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया, एम्पलीट्यूड बता दिया, ठीक है? अच्छा, कुछ वर्ड्स जो यहां पर आएंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड यहां पर आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है सर? ओमेगा, ओमेगा वहां पे ही बात किया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? जब आप क्या करोगे, पार्टिकल, ये जो सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी को, सोर्स पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है आपने सोर्स पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। सोर्स पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी को अगर आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो रिजल्ट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? क्यों पढ़ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी तो समझ में आ ही रहा था। तो फ्रीक्वेंसी जो है, अगर आपको याद होना है SHM में, तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो था वो फेजर से रिलेट कराता था हमें। हम क्या करते थे, पार्टिकल का जो SHM मोशन है उसको फेजर से के हेल्प से भी उसके क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको फेजर से रिलेट कराता है कि अगर ठीक है भाई, 1 सेकेंड में पार्टिकल यहां से घूम के यहां पर आ गया, तो 1 सेकेंड में एंगल में कितना रोटेट कर गया? तो 2 पाई एंगल रोटेट कर गया। तो अगर कोई पूछे, अगर कोई बोले कि भाई 1 सेकेंड में उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, अगर उसका फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना हो जाए? 2 पाई इंटू 5, मतलब कितना एंगल रोटेट कर गया? 2 पाई इंटू 5, मतलब 10 पाई का वो रोटेशन कर चुका है। तो जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो हम क्या करें, उसके फेजर से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना कोई खास हमारे लिए इस वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, हम बस इतना बोलेंगे, मतलब इंपॉर्टेंस है, वर्ड का इंपॉर्टेंस बहुत है, लेकिन इसका जो डीप मीनिंग है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का उतना अपने को नहीं जानना है। बस आप इतना जान लो कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 2 पाई से अगर फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट, अगर फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखें तो क्या था, हर्ट्ज था, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है, तो 2π × हर्ट्ज कर दो, तो 2π × हर्ट्ज कर, सॉरी 2π × फ्रीक्वेंसी, तो 2π का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, हर्ट्ज ही हो जाएगा। बस ये क्या करेगा, फेजर से रिलेट करेगा अपने को। बहुत लोगों को तो फेजर याद भी नहीं होगा, क्या है फेजर, सर फेजर तो बाइक का नाम था सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक वर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे वेव नंबर। पहले वेवलेंथ बताना जरूरी है, वेव लेंथ, जब वेव लेंथ से भी जरूरी है वेव वेलोसिटी, क्या कर रहे हैं भाई साहब, वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी, तुमने सुना होगा कि लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड अगर एयर में फाइंड किया जाए, स्पीड इन एयर, तुमने सुना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तुमने ये भी सुना होगा साउंड, का जो स्पीड है एयर में, स्पीड इन एयर, इसका वैल्यू है 332 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, चेंज होता है अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब लाइट का भी स्पीड है, एयर का भी स्पीड है, इसका क्या मतलब है, लाइट जो है, साउंड जो है, ये सारे वेव है ना। अब अगर ये सारे वेव्स हैं, मतलब वेव का भी एक वेलोसिटी होता है। अब वेव का वेलोसिटी होता है, इसको कैसे समझेंगे सर, ये वेव वेलोसिटी है क्या, या तो आपने डेटा बता दिया कि लाइट का स्पीड इतना है, साउंड का स्पीड इतना है क्या सर, मतलब क्या समझेंगे, तो इसका मतलब देखिए कैसे समझते हैं, ये आप नोट कर लेना, टुनु नुडु। जैसे मैंने सोर्स पार्टिकल, ये जो हमारा सोर्स पार्टिकल है, ऑसिलेशन हम इस पे करा रहे थे क्या, मैंने डिस्टर्ब किसको कराया, सोर्स पार्टिकल को, लेकिन मैंने ये देखा कि कुछ टाइम के बाद ये जो 10th नंबर वाला पार्टिकल है, ये 10th नंबर वाला पार्टिकल है, वो भी तैयार हो गया क्या ऑसिलेट करने के लिए, कुछ टाइम के बाद 11th वाला भी तैयार हो गया, 12th वाला भी तैयार हो गया, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी था, एनर्जी पॉइंट एस से ट्रैवल करके 10th तक गया, एस से ट्रैवल करके 11th तक गया, एस से ट्रैवल करके 12th तक गया, इस तरह से जा रहा गया। मतलब जो डिस्टर्बेंस है, ये जो डिस्टर्बेंस है, या ये जो एनर्जी है जो हम आगे भेज रहे हैं, ये जो डिस्टरबेंस है या ये जो एनर्जी है जो हम आगे भेज रहे हैं, वो क्या हो रहा है, S वाले पॉइंट से 10 वाले पॉइंट तक ट्रैवल कर रहा है क्या। अब अगर ट्रैवल कर रहा है तो कुछ टाइम लगा होगा ना ट्रैवल करने के लिए। अब डिस्टरबेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी। अगर लाइट का वेव है तो डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करने में जो डिस्टर्बेंस किस रेट से ट्रैवल करता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर साउंड का वेव है तो डिस्टरबेंस कैसे ट्रैवल करेगा, 332 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इसका मतलब ये वेव वेलोसिटी का मतलब होता है द वेलोसिटी, विथ विच द डिस्टरबेंस, फ्रॉम source to any other point, the velocity with which the disturbance from source to any other point will travel, ठीक है, wave velocity का मतलब है the velocity with which the disturbance from source to any other point will travel is known as wave velocity. एकदम सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं वेव वेलोसिटी को बोलूं, तो यहां से डिस्टरबेंस आगे जाने का जो भी रेट होगा, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, जो भी रेट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब वेव वेलोसिटी, ये सारे डेफिनेशन जो आते जा रहे हैं वो लिखते जाए, सब यूज करेंगे अभी। वेव वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट डेफिनेशन होता है वेवलेंथ का। नेक्स्ट जो है वो है वेवलेंथ, क्रेस्ट, ट्रफ और ये सब जो है ना, ये ऊपर वाले को क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं, ये सब होता है। तो ये सब बच्चों वाले डेफिनेशन नहीं बोलेंगे कि दैट सेपरेशन बिटवीन वन क्रेस्ट टू टू सक्सेसिव क्रेस्ट इज नोन एज वेवलेंथ, ये बच्चों वाले डेफिनेशन ही याद रखेंगे। वेवलेंथ का मतलब है द डिस्टेंस, ट्रैवल्ड
बाय द डिस्टर्बेंस, बाय द डिस्टर्बेंस इन वन टाइम पीरियड, इन वन टाइम पीरियड ऑफ सोर्स पार्टिकल, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टरबेंस है, एक टाइम पीरियड में जो डिस्टरबेंस है वो कितना आगे चला जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब मैंने पार्टिकल को, सोर्स वाले पार्टिकल को ऐसे ऊपर ले जाके, ऐसे नीचे ले जाके वापस से जब यहां पे लाया, तब मैंने देखा कि जो डिस्टर्बेंस है इस तरह से चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ डिस्टर्बेंस इस वाले पॉइंट तक पहुंच गया है क्या, तो कितना दूरी चल गया डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस जो है वो इतना लेंथ ट्रेवल कर गया। तो एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में डिस्टरबेंस जितना आगे मूव कर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। अब वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे इनटू टाइम लिखेंगे। अब डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हमारा है वेवलेंथ, डिस्टेंस जो है वो है वेवलेंथ। स्पीड यहाँ पर कौन सा है, स्पीड ऑफ वेव, स्पीड यहाँ पर कौन सा है, स्पीड ऑफ वेव। और टाइम यहाँ पर क्या है, टाइम यहाँ पर है टाइम पीरियड, टाइम यहाँ पर टाइम पीरियड है क्या। अच्छा अब एक रिलेशन लिखूंगा ना, बोलोगे सर ये तो बहुत ही खतरनाक सा फॉर्मूला आपने लिख दिया। एक रिलेशन लिखूंगा तो शायद आपने लोअर क्लासेस में ऐसा कुछ पढ़ा है। मान लो मैं बोलता कि फॉर लाइट, अगर मैं लाइट के लिए बात करूं तो स्पीड ऑफ लाइट को सी यूज करते हैं क्या, सी, सी इज यूज फॉर स्पीड ऑफ लाइट। तुम कुछ अलग वर्ड के यूज करते होगे, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट का एक अच्छा भी मतलब होता है, 3 × 10^8 m/s। तो सी का मतलब है 3 × 10^8 m/s। अब यहां पर अगर वेवलेंथ के लिए हम यूज करेंगे लेटर लैम्डा, वेवलेंथ के लिए हम यूज करेंगे लेटर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमने पढ़ा है एसएचएम में, टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 1/फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड को 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को या तो न्यू से लिखो या एफ से लिखो, दोनों चलते हैं। ये न्यू वाले वर्ड को अगर मैं उधर भेज दूं तो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होगा क्या। ऐसा रिलेशन ना बचपन में क्लास 8-9 में सिखाया जाता है, जब आप छोटे बच्चे थे निक्कर पहन के स्कूल जाते थे, ठीक है, और आपके नाक से बहरी होती थी, आपके आंखों से बहरी होती थी, कानों से बहरी होती थी, आपको खुद का होश नहीं होता था, उस समय में आपको शायद ये सब सिखाया गया था, सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। और उस समय तुम्हारे स्कूल की टीचर हुआ करती थी, वो हैंकी लेके घूमते रहती थी, किसके नाक से गिर रहा है भाई, साफ कर लो साफ कर लो साफ कर लो। स्कूल टीचर्स का जॉब बहुत मुश्किल है यार, क्या क्या झेलना पड़ता है आपको। कोई नहीं, चलो अच्छी बात है, अब तुम बड़े हो गए। हाँ तो सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, इसी को इन जनरल क्या लिखते हैं ना, इन जनरल आप ये लिख लो, इन जनरल फॉर एनी वेव, फॉर एनी वेव, वेव वेलोसिटी, ये वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी जो है वो फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ होता है। अब वेवलेंथ जो है लेंथ है भाई साहब, तो उसका ऐसा यूनिट है मीटर। फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज होता है, वेव वेलोसिटी जो है मीटर पर सेकेंड होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट लिखते हैं। ये रिलेशन होता है रिलेशन वी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे याद रखना, इस रिलेशन में एक और चीज याद रखना, ये या आगे जाके ऑप्टिक्स में काम आएगा। जैसे हमने लिखा वी इक्वल्स टू न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा, अब ये जो न्यू है ना, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इफ If a wave, ये अभी नोट करके बस लिख लो, wave travels from one medium to another, travels from one medium to another, one medium to another, its frequency remains constant, its frequency remains कॉन्स्टेंट। उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो होता है कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स पार्टिकल। इसका रीजन लिख लो, बिकॉज
फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द सोर्स पार्टिकल। ये रीजन है, ठीक है, कि अगर एक वेव जैसे लाइट, अगर आपको याद होगा क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा, ये एयर होता था, ये वाटर होता था, लाइट का वेव एयर से जब क्या करता था, वाटर की तरफ जाता था तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता था, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा था। हमेशा याद रखे ना, जब भी लाइट क्या करे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे, उसके फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो बाकी किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी बस इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो सोर्स है वो सोर्स किस रेट से पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहा है। पार्टिकल के वाइब्रेशन का जो रेट होगा उसी पर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। इसलिए जब वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करता है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रैवल करता है, तो बाकी सारे पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो चेंज नहीं होता। अब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा कि जो स्पीड है, इसका मतलब क्या होगा, जो स्पीड ऑफ वेव है, स्पीड ऑफ वेव ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। स्पीड ऑफ वेव जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा स्पीड ऑफ वेव, या जितना ज्यादा स्पीड ऑफ वेव उतना ज्यादा वेवलेंथ। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो मैंने कुछ रिलेशन बताया आपको और मैंने कुछ डेफिनेशन बताया। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेव नंबर पे। वेव नंबर, ये बेब नंबर नहीं है, वेव नंबर है। वेव सेना, एक बेब सेना नहीं, देव सेना नहीं, देव सेना थी एक वेब सीरीज में, वेव सेना थी, यहाँ पर वेव नंबर है। वेव नंबर, अच्छा वेव नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता था कि एक सेकंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशंस हो गए उसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे ना। एक सेकंड में जितने कंप्लीट ऑसिलेशंस हो गए उसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी। मान लो जो मैं वायर के बारे में बात कर रहा था ना, अभी हम जो वायर के बारे में बात कर रहे थे, ये जो वायर है वो एग्जैक्टली 1 मीटर का है। जो वायर था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये वायर जो है एग्जैक्टली 1 मीटर का है, और इस वायर में इस तरह से वेवफॉर्म बन रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो 1 मीटर के वायर में 1, 2, 3, 4 चार कंप्लीट वेव आ गया क्या? तो वेव नंबर का मतलब होता है इन 1 मीटर वायर नंबर ऑफ कंप्लीट वेवफॉर्म, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव फॉर्म, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं कि 1 मीटर के वायर में जितने भी मेरे पास वेव फॉर्म बन जाते हैं उसको मैं क्या बोल रहा हूं, वो मेरा वेव नंबर है। वेव नंबर को इस तरह से लिखेंगे, लैम्डा और एक बार लगा देना उसके ऊपर। वेव नंबर को क्या लिखते हैं, लैम्डा, उसके ऊपर एक बार लगा देना, तो लैम्डा बार जो है वो 1/ क्या होता है, लैम्डा होता है। लैम्डा बार वेव नंबर जो है वो 1/ लैम्डा होता है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो मीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स इसका यूनिट हो जाएगा। अच्छा, अब वेव नंबर जो है इसमें एक और यूनिट आपको पता चलेगा, सॉरी एक और टर्म होगा एंगुलर वेव नंबर। ये सब धीरे धीरे आगे जाके समझ में आएंगी, अभी बस डेफिनेशन ऐसा समझो कि कुछ होता है अपने को याद कर लेना है। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर देखें मतलब समझ जाना है कि 2π से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो एंगुलर वेव नंबर के लिए लेटर यूज करते हैं के, एंगुलर वेव नंबर के लिए लेटर यूज करते हैं के, और एंगुलर वेव नंबर इज 2π टाइम्स ऑफ वेव नंबर, और के को 2π/λ भी लिख सकते हैं। के को क्या कर सकते हैं, 2π/λ भी लिख सकते हैं। तो एंगुलर वेव नंबर जो है वो हो जाएगा 2π/λ। इस तरह से हम क्या करेंगे, एंगुलर वेव नंबर को लिखेंगे। अब सिंपल सा वेव नंबर अगर पता है 2π से मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर वेव नंबर मिल जाएगा। एक और रिलेशन होता है वो भी आपको बता देता हूं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेव नंबर। आज का लेक्चर समझना भी है और याद भी कर लेना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी
एंड एंगुलर वेव नंबर, एंड एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा को हमने क्या लिखा था, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा है, एंगुलर वेव नंबर है 2 पाई अपॉन लैम्डा, दोनों को डिवाइड कर दो, ओमेगा अपॉन के, 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 पाई टाइम्स ऑफ लैम्डा, इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ओमेगा अपॉन के आ जाएगा, 2 पाई से 2 पाई गायब कर दो तो न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा हुआ क्या। अब न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा कहीं तो देखा है सर जी, न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा वेव वेलोसिटी था ना, न्यू टाइम्स ऑफ लैम्डा क्या था, वेव वेलोसिटी। इसका मतलब कभी भी वेव वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना है आप क्या कर देना, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेव नंबर का रेशियो फाइंड आउट कर लेना, ये आपको क्या कर देगा, एंगुलर सॉरी वेव वेलोसिटी के बारे में बता देगा। तो इतने ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आगे अपने को काम आने वाले हैं, जब तक आपको ये डेफिनेशंस नहीं समझ में आएंगे आपको आगे बहुत परेशानी होगी। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखनी है तो ये सारे डेफिनेशंस क्लियर होने चाहिए। डेफिनेशंस में आपको बेसिकली, अभी तुमको बोलोगे सर मेरे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब तो समझ में आया नहीं, एंगुलर वेव नंबर का मतलब मेरे को समझ में आया नहीं, इनका यूज मेरे को समझ में आया नहीं, तो वो आगे समझ में आएगा। इसके अलावा बाकी जितने भी रिलेशंस हैं, बाकी जो भी टर्म्स हैं, वो क्या करना है, याद रखना है। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि SHM के कंसेप्ट आपको रिवाइज करके रखने हैं, वेव अगर आपको सीखना है तो आपको SHM आना चाहिए, अगर आपको SHM याद रहेगा तभी आप क्या करोगे, वेव सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे भाई साहब। आगे देखते हैं, मेरे को लगता है मैंने सारे डेफिनेशन बता दिए, फेज वेव तो मैंने पहले ही बता दिया था ना फेज क्या होता है, आगे देखते हैं। अब इक्वेशन ऑफ वेव निकालना सीखेंगे, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ अ वेव, खतरनाक चीज है भाई, एक बार समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं समझोगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं समझाने का। फिर से वही एग्जांपल, रोप है, वॉल से इसको बांध दिया, ठीक है, और यहां पर है सोर्स पार्टिकल, सिलेबस में सिंपल हार्मोनिक वेव है तो उसके बारे में ही बात करेंगे, कोई और तरह के वेव के बारे में इतना बात नहीं करने वाले, ठीक है। अब ये जो सोर्स पार्टिकल है, ये सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है, ये सोर्स पार्टिकल ऐसे ऊपर जाके ऐसे नीचे आके ऐसे ऊपर जा रहा है, तो क्वेश्चन में ऐसा है ना कि लेट द इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल, लेट द इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल, इक्वेशन ऑफ सोर्स पार्टिकल बी, अब इसका जो SHM है ऊपर नीचे हो रहा है तो y लिख रहे हैं, y equals to a sin omega t plus phi, I hope ये सब तुमको याद हो, a यहाँ पर amplitude होता था, y यहाँ पर instantaneous displacement, अब ये ऊपर नीचे जा रहा है इसलिए y लिखा है, जब मैंने आपको पढ़ाया ना तो x लिखा करते थे, वहां पे x, x का मतलब पार्टिकल जब ऐसे से मूव करता तो x पे बात करते थे, ये पार्टिकल ऐसे से मूव कर रहा है तो y पे बात कर रहे हैं, तो y equals to a sin omega, omega angular frequency है, into t plus phi, phi यहाँ पर क्या है, initial phase, initial phase मतलब हमेशा जरूरी नहीं कि जब आप पार्टिकल को एनालाइज, किसी भी SHM वाले पार्टिकल को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो वो हमेशा phi equals to zero से स्टार्ट करेगा, मीन पोजिशन से स्टार्ट करेगा, ऐसा बोलना सही नहीं होता, ठीक है, तो a sin omega t plus phi। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहां पर वेव का इक्वेशन बनाना है, तो पहले तो कुछ ना कुछ बातें सीख लेते हैं, ठीक है, ये जो सोर्स पार्टिकल है, सोर्स पार्टिकल का इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस phi, अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मुझे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेव फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, जैसे मैंने बोला कि जो पार्टिकल्स है यहां पर, मान लो यहां पर ये सोर्स पार्टिकल था, पार्टिकल वन, पार्टिकल टू, पार्टिकल थ्री, फोर एंड सो ऑन, रैंडमली बहुत सारे पार्टिकल्स है, सब सारे सब पे पॉइंट्स नहीं लिख सकता। अब मान लो मेरे को सोर्स वाले पार्टिकल का इक्वेशन पता है कि सोर्स वाला पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ये मेरे को पता है। अच्छा, मेरे को वेव के बेसिक से ये भी पता है, वेव के बेसिक से मेरे को ये भी पता है कि यहाँ पर रखा हुआ कोई भी पार्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 या कोई भी रैंडम पार्टिकल, सारे के सारे पार्टिकल्स जो है वो SHM परफॉर्म करेंगे,
मतलब अगर मैं किसी भी पार्टिकल का इक्वेशन देखूं, मान लो रैंडमली मैंने बोला कि यहां पर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का इक्वेशन भी क्या आना चाहिए, एसएचएम का इक्वेशन आना चाहिए। अच्छा, लेकिन यहां पर क्या है, अब अलग अलग पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल थ्री और यहाँ का पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल एट, पार्टिकल थ्री और पार्टिकल एट में अगर देखोगे तो पोजिशन का डिफरेंस है क्या? सोर्स से थर्ड वाले पार्टिकल का जो दूरी है वो अलग है, सोर्स से एट वाले पार्टिकल का दूरी जो है वो अलग है। अब अगर सोर्स से दूरी अलग है, मतलब ये पहले ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ये बाद में ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है? तो हमें क्या करना है ना, हमें एक ऐसा जनरल इक्वेशन बनाना है जिसमें मैं क्या कर दूं, सारे सके सारे वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का इक्वेशन आ जाए। एक ऐसा इक्वेशन बताओ जिसमें अगर मैं एक्स के अलग अलग वैल्यूज रखू, मतलब एक्स का मान लो थर्ड वाले पार्टिकल का पोजिशन था एक्स वन, सोर्स से थर्ड वाले पार्टिकल का दूरी अगर एक्स वन है, तो अगर ऐसा इक्वेशन बनाओ कि तुम अगर एक्स वन रख दो ना इक्वेशन में, जो भी आया इक्वेशन उसमें तुम अगर एक्स वन का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो थर्ड वाले पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन आ जाए। मान लो अगर तुमने एक्स टू पुट कर दिया तो एट वाले पार्टिकल के ऑसिलेशन का इक्वेशन आ जाए। ऐसा कुछ इक्वेशन बनाना है, तो देखेंगे बनाएंगे, ठीक है? उसके लिए क्या करते हैं ना, एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक के लिए मैं वापस आता हूँ, पहले आपको पहले एक बेसिक बताता हूँ। अब किस बेसिक के बारे में बात करूं, आप लोग में से बहुत लोग डांस सीखते होंगे शायद, या आता भी होगा बहुत लोगों को, ठीक है? अब जब डांस होता है, एक तो होता है कि आपने अपने मनमर्जी से जो भी आया, तड़क तुणक धुन था, कुछ भी कर दिया, डांस खत्म, एक तो वो हो गया। एक होता है जो प्रॉपर टीचर होता है वो सिखाता है डांस, कि तत थई कत थई एंड सो ऑन, इस तरह से वो डांस सिखाता है। मान लो मैं चार स्टेप बोल रहा हूँ, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, पता नहीं आने रहे, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर एंड स्टेप नंबर फाइव एंड स्टेप नंबर सिक्स, ठीक है? मैंने डांस सिखाया, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप सिक्स, ये छह स्टेप का डांस है जो तुम लोग को सीखना है, मैं तुम्हारा टीचर। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें सीखना है, अब मेरे मैंने डांस स्टेप बनाया है तो मेरे को पता है कि कैसे करना है, तुम तो नए नए आए हो, तुमको थोड़ी पता है कि डांस ऐसे करना है, तुम तो सीख रहे हो। तो तुम क्या बोलोगे, सर मेरे को नहीं कुछ समझ में आ रहा है कैसे डांस करना है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, ठीक है जो मैं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया, ठीक है, जिनको डांस सिखाना था, और मैंने बोला कि ठीक है भाई साहब, मैं जैसा करूँ ना वैसे तुम रिपीट करते जाओ, सारे के सारे स्टूडेंट। अब मैंने जो परफॉर्म किया वो मेरे बाद वाला परफॉर्म करेगा, फिर मेरे उसके बाद वाला वैसा परफॉर्म करेगा एंड सो ऑन। जैसे यहाँ पे ये जो मेरे पास डायग्राम था ना, ये जो मेरे पास डायग्राम था, आप ऐसा समझिए कि ये सोर्स पार्टिकल मैं हूं, जो मैं परफॉर्म करता हूं एक्चुअल में फर्स्ट वाले पार्टिकल को वही परफॉर्म करना होता है क्या, लेकिन कुछ समय के बाद जो सोर्स वाला पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है फर्स्ट वाले पार्टिकल को वही परफॉर्म करना है, जिस जो फर्स्ट वाले पार्टिकल ने परफॉर्म किया सेकंड वाले पार्टिकल को वही परफॉर्म करना है, जो सेकंड वाले ने परफॉर्म किया थर्ड वाले को वही परफॉर्म करना है, लेकिन कुछ टाइम के बाद। अब मैंने बोला कि जो डांस स्टेप है, जो डांस स्टेप है वो मैं सिखाना चाह रहा था, अब डांस स्टेप में सिखा रहा था तो मैंने बोला कि मैंने मैंने कोई स्टेप किया, इसने फॉलो किया, इसने किया, इसने फॉलो किया, इसने फॉलो किया एंड सो ऑन। ऐसा मान लो कि एक एक सेकंड के इंटरवल के बाद, ऐसा मान लो सिंप्लिसिटी के लिए कि एक एक सेकंड के इंटरवल के बाद ये लोग क्या करेंगे, डांस के स्टेप को कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। मैंने एक स्टेप किया, मैंने स्टेप किया ऐसा, ठीक है, तो एक सेकंड के बाद ये जो पहला वाला जो स्टूडेंट है इसने कॉपी करना स्टार्ट किया, 2 सेकंड के बाद इसने कॉपी करना स्टार्ट किया, 3 सेकंड के बाद इसने कॉपी करना स्टार्ट किया, 4 सेकंड के बाद इसने कॉपी करना स्टार्ट किया, 8 सेकंड के बाद इसने कॉपी करना स्टार्ट किया एंड सो ऑन, ठीक है? अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि भाई किसी टाइम टी पर, किसी टाइम टी पर थर्ड वाले पार्टिकल का या थर्ड वाले स्टूडेंट का क्या स्टेप है, मैं ये जानना चाहता हूं, ध्यान से समझना है मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि किसी टाइम टी पर थर्ड वाले पार्टिकल का क्या स्टेप है। अब तुम सोचो, अगर मैं बोलूं कि किसी टाइम, मान लो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड, मुझे मेरे बारे में तो पता है ना, मेरे बारे में मुझे पता है, क्या पता है कि मान लो 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे मेरा मोशन क्या है, मैं अगर ये बोलूं तो 10 सेकंड पे मेरा मोशन क्या होगा, स्क्रीन छोटा हो गया लेकिन फिर भी देखना कहाँ चला गया, थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पे समझाना। 10 सेकंड पे मैं बात करूं तो पहले सेकंड में स्टेप वन पहला सेकंड, दूसरा सेकंड में स्टेप टू,
3 सेकेंड में स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6। बात समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट। 6 सेकेंड में यहां पे आ गए, 7, 8, 9, 10। तो 10 सेकेंड का स्टेप क्या है? 10 सेकेंड का ये स्टेप है क्या? बात समझ में आ रहा है? तो अगर 10 सेकेंड में कोई मेरा स्टेप पूछा तो मेरे को पता है ना भाई कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो मेरे को तो खुद से आइडिया है कैसा डांस का फॉर्म था, क्या सिखाना था, मैं जानता था। तो एग्जैक्टली 10 सेकेंड में कौन सा स्टेप परफॉर्म करना है ये मेरे को पता है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं टीचर था, मैं जानता था 10 सेकेंड में कौन सा स्टेप अपने को परफॉर्म करना है। अब मान लो किसी ने तुमसे पूछा कि वो जो थर्ड वाला स्टूडेंट है, वो जो थर्ड वाला स्टूडेंट है, थर्ड वाला स्टूडेंट कौन है? थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हाँ, मान लो ये थर्ड वाला स्टूडेंट है, 10th सेकेंड में ये कौन सा स्टेप कर रहा है ये तुम्हें जानना है। तुमसे किसी ने पूछा कि भाई 10 सेकेंड में तुम अपना स्टेप बताओ, तुम आराम से बता दोगे भाई 10 सेकेंड में मैं ऐसा वाला स्टेप करने वाला था। ठीक है, अब 10 सेकेंड में इस थर्ड वाले पार्टिकल का क्या स्टेप होगा वो मेरे को जानना है। अच्छा, तो मैं जानता हूं कि जो स्टेप मैं 10 सेकेंड में कर रहा हूं, ठीक है, जो स्टेप मैं 10 सेकेंड में कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला पार्टिकल वही स्टेप 11 सेकेंड में करेगा क्या? 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये वही स्टेप करेगा, 1 सेकेंड के बाद ये वो स्टेप करेगा 12 सेकेंड पर, और 1 सेकेंड के बाद ये वो स्टेप करेगा 13 सेकेंड पर। जो मैंने अभी 10 सेकेंड में किया है ये थर्ड वाला पार्टिकल 13 सेकेंड में जाके करेगा क्या? बात समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि यहां से आया इंफॉर्मेशन 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, ऐसे पहुंच रहा था क्या? अब अगर किसी ने तुमसे पूछा कि एग्जैक्टली 10 सेकेंड में थर्ड वाले पार्टिकल का क्या स्टेप है, क्या स्टेप करने वाला है, तो तुम क्या करो? पीछे चले जाओ। 10 सेकेंड में थर्ड वाले का वही स्टेप होगा जो 9 सेकेंड में पार्टिकल टू का था क्या? समय को नहीं समझ में आया? मैंने बोला, ध्यान से सोचना, कि जो मैं सोर्स हूं, मैं जो 10 सेकेंड में करूंगा पार्टिकल वन वही 11 सेकेंड में करेगा क्या? पार्टिकल वन ने वही परफॉर्म किया 11 सेकेंड में, पार्टिकल टू वही परफॉर्म करेगा 12 सेकेंड में, पार्टिकल थ्री वही परफॉर्म करेगा 13 सेकेंड में, एंड सो ऑन। इस तरह से होने वाला है। अच्छा, अब मेरे को ये नहीं जानना था, मेरे को क्या जानना है कि 10 सेकेंड में, एग्जैक्टली 10 सेकेंड में पार्टिकल थर्ड ने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया है ये मेरे को जानना है। अब एग्जैक्टली 10 सेकेंड में पार्टिकल 3 का जो स्टेप है वो जानने के लिए क्या करते हैं? पीछे जाना स्टार्ट करते हैं। मेरे को ये पता है कि जो अभी ये 10 सेकेंड में करेगा पार्टिकल 3, जो अभी 10 सेकेंड में करेगा पार्टिकल 2 ने उसे 9 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया था क्या? पार्टिकल 2 जो 9 सेकेंड में करता, पार्टिकल 1 ने उसे 8 सेकेंड में कंप्लीट कर लिया था क्या? और पार्टिकल 1 जो 8 सेकेंड में करेगा वो मैंने 7 सेकेंड में कर लिया था क्या? इसका मतलब मैं अपने इक्वेशन में या मैं अपने डांस के फॉर्म में जो मेरा 7th सेकेंड का स्टेप है वो पार्टिकल 3 के 10th सेकेंड का स्टेप है क्या? समय को नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। देखो, जब तक ये रिलेट नहीं कर पाओगे ना, ये नहीं समझ पाओगे, इक्वेशंस डिराइव नहीं कर पाओगे। मेडिकल वाले बच्चों तो चलो भाई बोल देंगे कि सर हमें तो सिर्फ रिजल्ट से मतलब था, हम रिजल्ट याद कर लेंगे। लेकिन जो जेई वाले बच्चे हैं उनको तो समझना पड़ेगा ना। मेडिकल वाले बच्चे समझ में आते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो याद कर लेना फाइनली। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं समझ में आए। मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड मैंने कोई टाइम ले लिया, 10 सेकेंड में मेरे को ये जानना है कि पार्टिकल 3 जो है वो एग्जैक्टली 10 सेकेंड में क्या कर रहा है। ठीक है, मेरे को 10 सेकेंड में पूछा गया, मैं ये जानता हूं कि 1 सेकेंड पीछे, अगर मैं 1 सेकेंड पीछे चला जाऊं तो 1 सेकेंड पीछे जाने पे जो 2 वाले पार्टिकल ने परफॉर्म किया था वही 10 सेकेंड पे पार्टिकल परफॉर्म करेगा क्या? थर्ड वाला पार्टिकल। इसका मतलब जो 9th सेकेंड पर पार्टिकल 2 का स्टेप है, 9th सेकेंड पर जो पार्टिकल 2 का स्टेप है वही 10th सेकेंड पर पार्टिकल 3 का होगा। अच्छा, फिर और पीछे जाएंगे तो जो 8th सेकेंड पर पार्टिकल 1 का स्टेप था वही 9th सेकेंड पर पार्टिकल 2 का स्टेप है। और पीछे जाएंगे तो जो 7th सेकेंड पर सोर्स का स्टेप है वही 8th सेकेंड पर पार्टिकल 1 का स्टेप है। इसका मतलब जो 7th सेकेंड पर मेरा स्टेप था, सोर्स का स्टेप था, वही 3rd स्टेप पर क्या है, पार्टिकल 3 का स्टेप है क्या? इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि कभी भी अगर मेरे से किसी भी रैंडम पार्टिकल का स्टेप पूछा जाए
तो मैं सोर्स के इक्वेशन पे अगर पीछे जाना स्टार्ट कर दूं, उतना टाइम पीछे चला जाऊं, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा क्या? अब इसको ना वेव में सोचेंगे। अब वेव में ये तो चलो थोड़ा आसान है कि मैंने टाइम के टर्म्स बताया। वेव के टर्म्स में इसको सोचना है, क्या क्या मैंने रेड करने की कोशिश की, जो कोई भी पार्टिकल जो किसी टी टाइम में परफॉर्म कर रहा है, अभी टी टाइम मतलब 10 सेकेंड में जो पार्टिकल ने परफॉर्म किया वो मैंने 3 सेकेंड में परफॉर्म किया था क्या? तो मेरे इक्वेशन में टाइम के, ये जो मेरा इक्वेशन था इसमें टाइम के प्लेस में अगर मैं 7 पुट कर दूंगा तो पार्टिकल 3 का इक्वेशन मिल जाएगा ना, हाँ या ना? अब इसको थोड़ा ना मैथ्स के साथ सिंप्लीफाई करने की कोशिश, मतलब मैथ्स थोड़ा इसमें लाना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास मेरा इक्वेशन है, मुझे मेरा इक्वेशन पता है कि वाई जो है वो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। मैंने क्या बोला कि 10 सेकेंड में पार्टिकल थ्री का जो स्टेप है, पार्टिकल थ्री का जो स्टेप है वही मेरा स्टेप 7 सेकेंड में था। ये 7 सेकेंड को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 10 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड। अब ऐसा क्यों लिखा सर? इसके लिखने का क्या मतलब है? 10 सेकेंड यहां पर क्या है? 10 सेकेंड वो टाइम है जब आप पार्टिकल थ्री का स्टेप जानना चाहते हो। ठीक है, 10 सेकेंड वो टाइम था जब आप पार्टिकल थ्री का स्टेप जानना चाहते हो, और 3 सेकेंड यहां पर सोर्स से पार्टिकल थ्री तक इंफॉर्मेशन पहुंचने का टाइम। ऐसा ही लिखना अपनी कॉपी में, जो मैंने यहां पे लिखा है वैसा ही लिखना, तभी आप रिलेट कर पाओगे। मैं अगर 10 सेकेंड में थर्ड पार्टिकल का इक्वेशन जानना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? सोर्स वाले पार्टिकल के इक्वेशन में 7 पुट कर दूंगा। 7 पुट कर रहा हूं मतलब 10 जिस टाइम पर फाइंड करना चाहते हैं माइनस जितना टाइम इंफॉर्मेशन पहुंचने में लगा। अब इसको अगर मैं मैथमेटिक्स में सोचूं, मान लो मैं बोल रहा हूं कि ये जो पार्टिकल्स, अब एक्चुअल में पार्टिकल के नाम तो नहीं रखे थे ना, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल थर्ड पार्टिकल ऐसे तो नाम नहीं रखे थे होते पार्टिकल के। एक्चुअल में क्या होता है, दूरी गिवन होती है। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है जो सोर्स से कोई तो एक्स दूरी पर है, और ये भी मेरे को पता है कि जो वेव वेलोसिटी है मतलब डिस्टरबेंस के आगे बढ़ने का जो रेट है वो है वी, ये मेरे को पता है। ठीक है, अब वेव जो है वो वी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, और कितना दूर तक चलना है? एक्स दूर तक चलना है। तो अगर एक्स दूर चलना है और वी स्पीड से आगे चल रहे हैं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं इसको क्या लिख सकता हूं? टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टर्बेंस टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू अ पॉइंट एट एक्स सेपरेशन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिस्टर्बेंस टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू अ पॉइंट एट एक्स सेपरेशन। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम को क्या लिखते हैं? ये टाइम रिक्वायर्ड है जो ट्रैवल करने के लगा, टाइम रिक्वायर्ड हो जाएगा डिस्टेंस एक्स का ट्रैवल करना है और वी के स्पीड से ट्रैवल करते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि एग्जैक्टली वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ
पार्टिकल, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हुज मीन पोजिशन, हुज मीन पोजिशन इज एट एक्स फ्रॉम सोर्स एट एनी टाइम टी। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये एक्स बाई वी, ये याद रखना ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये याद रखेंगे। इस ऊपर वाले टर्म को मैं अभी हटा देता हूं। देखो जो दो मोशंस के बारे में बात करेंगे, एक तो एक्स, एक्स क्या है तो सोर्स से जिस भी पार्टिकल की दूरी है। अब यहां पर 1 2 3 4 ऐसे वहां पर नंबर्स तो नहीं लिखे होते ना, ऐसा तो नहीं कि जो धागा था उसमें धागे में हर एक पार्टिकल का चुन्नू मुन्नू टुन्नू रुन्नू गुन्नू टिन्नू सुन्नू एन्नो वेन्नो टेन्नो ये सब नाम लिखा है, ऐसा नाम नहीं लिखा है ना। किसी ने उसमें नंबर लगा के छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6, ऐसा तो नंबर लगा के छोड़ा है नहीं। तो कैसे बात करेंगे, तो बात करेंगे सोर्स से उसके दूरी के बीच में। अगर मैं बोलूं कि सोर्स से एक पार्टिकल ले रहे हैं एक्स दूरी पर या एक्स वन दूरी पर, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं क्या। सोर्स से एक्स टू दूरी पर एक पार्टिकल ले रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं क्या। बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ पे बैठा नहीं रहने वाला, ये पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करने वाला है क्या। तो पार्टिकल यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हम व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मतलब इसका ऊपर जाने वाला जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो पार्टिकल है पार्टिकल के ऊपर जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। तो फिर एक्स क्या है सर, एक्स डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, एक्स उसका पोजिशन है। किसका पोजिशन, इसके मीन पोजिशन, जो पार्टिकल है पार्टिकल के मीन पोजिशन का पोजिशन फ्रॉम सोर्स। सब कचरा हो रहा है सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हो सर आप। तो मैं बोल रहा हूँ देखो दो बातें, दो बातें, एक मैं बोल रहा हूं एक्स और एक मैं बोलूंगा वाई। अब एक्स और वाई में डिफरेंस क्या है, मैंने बोला कि धागे में बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं। अब धागे में जो पॉइंट्स रखे हैं उनका नाम है क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई नाम है क्या उसका, नहीं नाम तो नहीं है सर। तो फिर आप पॉइंट्स को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो पॉइंट्स को डिफरेंशिएट करोगे उसकी दूरी से फ्रॉम एक्स, उसकी दूरी से फ्रॉम सोर्स पार्टिकल। सोर्स पार्टिकल से कोई भी पॉइंट कितनी दूरी पर रखा हुआ है वो एक्स है। मान लो यहां पर ये पार्टिकल वन है, कोई एक्स वन दूरी पर है, यहाँ पर कोई पार्टिकल टू होता, कोई एक्स टू दूरी पर होता, एंड सो ऑन। इस तरह से हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो खुद स्टेशनरी नहीं है ना, ये तो ऊपर नीचे भागेगा, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है ना, ये जो ऑसिलेटिंग पार्टिकल है जो ऊपर नीचे जा रहा है उसका मीन पोजिशन तो फिक्स है ना, तो उसके मीन पोजिशन का सेपरेशन सोर्स से जो होगा वो एक्स है। तो यहाँ पे जो एक्स लिखते हैं ना, एक्स जो लिख रहे हैं वो क्या है, सेपरेशन ऑफ मीन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, मीन पोजिशन ऑफ द वाइब्रेटिंग, ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, पार्टिकल फ्रॉम सोर्स, ये एक्स है। तो फिर वाई क्या है सर, तो वाई जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन, ठीक है। ये एक्स है और ये वाई। जब तक एक्स और वाई का मतलब नहीं समझ में आएगा, बार बार लेक्चर को घुमा घुमा के देखो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना भाई, लेकिन जब तक एक्स और वाई का मतलब नहीं समझ में आएगा आगे नहीं समझ में आने वाला। यहां पर जब मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वाई में लिखेंगे, तो एक्स क्या है सर, फिर एक्स उसका पोजिशन बता रहा है कि कौन से पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। अभी आप ध्यान से देखना, अब मेरे को ना सोर्स वाले पार्टिकल का इक्वेशन पता है, मेरे को पता है कि जो सोर्स वाला पार्टिकल है उसका इक्वेशन था वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो सोर्स वाला पार्टिकल है उसका इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा मेरे को इस वाले पार्टिकल का इक्वेशन लिखना है, ये जो पार्टिकल है इसका इक्वेशन लिखना है। अब मैं, मेरे को क्या पता है कि किसी टी टाइम पर, किसी टी टाइम पर ये जो परफॉर्म करने वाला है, किसी टी टाइम पर इसका जो मोशन होगा सोर्स वाले पार्टिकल ने वो पहले ही परफॉर्म कर लिया है क्या। जैसे वो जो डांस वाला स्टेप था, वो जो थर्ड वाला स्टूडेंट जो किसी टी टाइम पर परफॉर्म करता, टीचर ने उस स्टेप को पहले ही परफॉर्म कर लिया है क्या। कितना पहले, तो टी माइनस जो टाइम लगा था इंफॉर्मेशन को पहुंचने तक, टी माइनस जो टाइम लगा था,
जैसे मैंने, अगर मैं वो डांस वाला एग्जांपल अगर मैं बोलूं, तो 10 सेकेंड में जो थर्ड वाला पार्टिकल परफॉर्म करता, वो 10 माइनस 3, 3 कौन सा टाइम है? 3 वो टाइम है जब इंफॉर्मेशन को एस से पार्टिकल 3 तक पहुंचने में लगा था। तो 10 माइनस 3, तो मैं अपने इक्वेशन में 10 टाइम की जगह 7 पुट कर दूंगा, तो मुझे थर्ड वाला पार्टिकल का स्टेप मिल जाता गया। तो यहां पर अगर सोचोगे वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई, ये किसका इक्वेशन है? ये सोर्स वाले पार्टिकल का इक्वेशन है। मैं किसका इक्वेशन लिखना चाहता हूं? मैं एक जनरल पॉइंट, एक जनरल पार्टिकल जो किसी एक्स दूरी पर है, उसका पोजिशन लिखना चाहता हूं। तो वाई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा। अब जो ये किसी टी टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, वो मैंने पहले ही परफॉर्म कर लिया है ना, कितना टाइम पहले? तो वो मैंने टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पहले परफॉर्म कर लिया है क्या? प्लस वाई। सर मेरे को नहीं समझ में आया। किसी भी टी टाइम पर ये जो पार्टिकल है, किसी भी टी टाइम पर ये जो पार्टिकल परफॉर्म करने वाला है, सोर्स वाले पार्टिकल ने उसको पहले ही परफॉर्म कर लिया था। कितने टाइम पहले परफॉर्म कर लिया था? तो जितना टाइम यहां से इंफॉर्मेशन पहुंचने में लगा होगा, टी माइनस उतना टाइम कर देंगे। अगर जैसे मान लो 10 सेकेंड में ये जानना है और इंफॉर्मेशन पहुंचने में 3 सेकेंड लगा था, तो यहाँ पे आपने क्या किया था? 10 माइनस 3 किया था ना। तब आपको क्या मिलता? इसके इक्वेशन में 10 माइनस 3 पुट करोगे तो इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसके इक्वेशन का जो टी है, उसको रिप्लेस कर दो टी माइनस एक्स बाई बी से। अब एक्स बाई बी क्या है? तो यहां से यहाँ इंफॉर्मेशन पहुंचने का जो टाइम था, वो एक्स बाई बी का था क्या? तो टाइम के प्लेस में एक्स बाई बी रह गया। अब ये जो आता है ना, यही वेव इक्वेशन है। एकदम तसल्ली से सोचना, ये समझ में आया कि नहीं आया, एकदम तसल्ली से सोचना। मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा आज, मैं बस इतना ही पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो बात है जो आज मैं सिखाता हूं, वो समझ जाओ, फिर आगे बताने का सेंस बनेगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि एक्स क्या है, वाई क्या है और टाइम क्या था। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी जनरल पार्टिकल का मेरे को इक्वेशन लिखना है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी पूरा नहीं हुआ एक्सप्लेनेशन, अभी मत सोचना कि पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। मैं बस इतना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं। अब ये समझ में आया कि नहीं, वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा कि सर बोल क्या रहे। मैं वो एग्जाम्पल रिलेट करना कि किसी भी 10 सेकेंड में तीसरे वाले स्टूडेंट का जो स्टेप होगा, वो सर का वही स्टेप था 7 सेकेंड में। अब 7 कैसे मिला था? 10 में से 3 माइनस किया। 10 क्यों लिया सर? 10 वो टाइम है जब मुझे उसका स्टेप जानना है। 3 क्यों लिया सर? 3 वो टाइम है जो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने में लगा था। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि किसी भी टी टाइम पर इस पार्टिकल का, किसी भी टी टाइम पर इस पार्टिकल का क्या इक्वेशन है, वो अगर मेरे को जानना है, तो मैं सोर्स वाले पार्टिकल के इक्वेशन के टाइम को टी माइनस एक्स बाई वी। अब ये एक्स बाई वी क्या है? एक्स बाई वी वो टाइम है जब इंफॉर्मेशन सोर्स से पार्टिकल तक पहुंचा था। इसी को जब सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस वाई। ये वेव इक्वेशन है। अभी सब बहुत कहानियां बची हैं, कहानियों का एंड अभी नहीं हुआ है, कहानियां धीरे धीरे अभी और भी खुलेंगी, लेकिन जितना मैंने आज बताया ना, उतना इसलिए छोड़ रहा हूँ कि शायद समझ में आ जाए, ज्यादा ना हो जाए एक ही दिन में। विश्वास रखो, ये सब चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, और अगर नहीं समझ में आएंगी तो फिर तूफान लेवल पे चला जाएगा वो। तो कोशिश करना इसको समझने का, ठीक है? चलिए इतना ही रहने देते हैं।